आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ईथर के बारे में बात करते हैं। ईथर में क्या होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड ईथर कैसे लिखा था, एक ग्रुप है। ईथर का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आर ओ आर है, इसमें क्या है एल्किल, दो एल्किल ग्रुप होते हैं। यानी कि अगर आपको बात किया जाए, जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल मूलकों द्वारा होता है, यानी अगर वाटर देख रहे हैं, वाटर की बात करें H2O होता है, H2O को अगर देखा जाए तो कैसे लिखा है HOH। ऐसी कैटेगरी में वाटर में यानी कि जल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो हाइड्रोजन है। अब ये दो हाइड्रोजन क्या कर दें, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसके जरिए, दो एल्किल रेडिकल के जरिए, यानी एल्किल मूलक। एल्किल रेडिकल्स क्या होते हैं, एल्किल मूलक, यानी आर, किससे निकालते हैं आर से। तो दो एल्किल कंपाउंड ले लें, आर कितने ले लें दो। ऐसी कैटेगरी में ये दोनों एल्किल आर एंड आर ऐसे है, ये दोनों एल्किल इसको क्या करें सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ से एच निकल जाएगा, ये वाला इसको सब्स्टिट्यूट करे तो यहाँ से एच निकल। इसे खोखो नहीं खेलते हैं वैसे ही, ऐसे ही कैटेगरी में आपके एक एच यहाँ से निकला, एक एच यहाँ से निकला, कुल कितने एच निकल गए, दो एच, यानी कि दो हाइड्रोजन निकल गया। तो अब अगर वाटर के दो हाइड्रोजन किसी एल्किल रेडिकल से सब्स्टिट्यूट किए जाए, यानी एल्किल मूलक से प्रतिस्थापित किए जाते हैं, तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं आर ओ आर, और ये बन गया आपका ईथर। समझ में आ गया। तो अब ये जो कंपाउंड हो गया इसे ईथर कहते हैं। तो ईथर क्या था, जब जल के दोनों हाइड्रोजन एल्किल मूलकों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो प्राप्त यौगिक यानी ऑप्टेन कंपाउंड क्या कहलाता है, ईथर। अब बात आती है ईथर के टाइप कितने प्रकार के हैं। तो ईथर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है यानी ईथर की कैटेगरी को अगर देखा जाए तो ईथर दो प्रकार के हुए, एक होता है सिंपल ईथर और दूसरा है मिक्स्ड, मिक्स्ड ईथर। अब सिंपल ईथर क्या होता है, सिंपल ईथर में जो दो एल्किल ग्रुप हैं वो कैसे होंगे, सेम ही कैटेगरी के होंगे। जैसे अगर कहीं पे एग्जांपल दिया जाए CH3O CH3, ऐसी कैटेगरी में। अब जो ये ईथर है वो क्या है, सिंपल ईथर है। दूसरा ईथर की बात करें, ऐसे एग्जांपल लेने हैं कि C2H5 O C2H5, अगर वही चीज क्या कर ले डाई एथिल ईथर हो गया तो इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, क्योंकि इसमें दो मेथिल लगे हुए हैं। तो ऐसी कैटेगरी में डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गया। मिक्स्ड ईथर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3O C2H5, अब ये देखें ये मिक्स्ड है क्योंकि ये CH3 और ये C2H5 है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड। अब इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, तो आपको पता है जब IUPAC पढ़ते हैं तो उसे बताया जाता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इसको। अब देखिए एथिल और मेथिल दो अलग अलग है, तो अल्फाबेट में पहले एथिल आता है, बाद में क्या आता है मेथिल आता है, तो इसका नाम क्या बन गया, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, तो आपको पता चल गया। इसमें सेम थे तो डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ईथर आपने देखा कितने प्रकार के होते हैं, ईथर देयर आर टू टाइप्स। पहला कौन सा होता है, सिंपल ईथर, जिसमें दोनों एल्किल जो रेडिकल्स हैं, एल्किल मूलक है, वो कैसे है सेम है जैसा आपके यहाँ दिख रहा है, जैसे डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, एथिल मेथिल ईथर। अब आप हम लोग बात करते हैं किसी भी ईथर को बनाने के काम करते हैं, कैसे ईथर हम लोग बनाते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ईथर क्या हो गया, आर ओ आर कंपाउंड। अब पहला जो मेथड है ईथर का, ठीक है, पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं हम लोग विलियमसन संश्लेषण मेथड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण यानी विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे हम लोग।
किसका किसका, एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड की बात करें तो आपको पता है एल्कोक्साइड क्या बनेगा, तो आर ओ एन ए, ये हो गया एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या इसका नाम ना लिखे क्योंकि हमको रिएक्शन करके दिखाना होगा। एल्कोक्साइड ये हो गया, एल्किल हैलाइड यानी आर एक्स ये हो गया। अब आपको पता है कि जो बनाना है वो पहले से पता है, देखिए हमको आर ओ आर बनाना है, सोडियम एल्कोक्साइड को देख रहे हो तो आर ओ एन ए होता है, आर एक्स यहाँ पर, यानी ये आर अगर यहाँ आ जाए तो आर ओ आर बन जाएगा। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है एन ए एक्स, एक्स का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन जो कैटेगरी होता है उसको हैलाइड बोलते हैं। एल्किल के साथ आ गया तो एल्किल हैलाइड। हैलोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम आपको दिखा दें, एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे लाइक दिस। तो आपको पता है कि ये हैलोजन है और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की कैटेगरी के हैं। इसका मतलब है कि ये सोडियम से बिलोंग करता है, क्योंकि आपको पता है जो क्लोरीन और सोडियम की गर्लफ्रेंड। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है Na किसके साथ चला जाएगा, X के साथ। कंपाउंड क्या बना, NaX यानी सोडियम हैलाइड। अब ये R इसकी जगह पे आके क्या कर जाएगा, विराजमान हो जाएगा, तो क्या बन गया, प्लस आर ओ आर। ये देखिए ईथर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड कई बार पेपर में पूछा जाता है, गिव द शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विलियमसन संश्लेषण है, विलियमसन संश्लेषण विधि, ये ईथर बनाते समय हम लोग उपयोग करते हैं आर ओ आर। इसमें सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और फिर क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। अगर मैं R की जगह क्या ले लेता हूँ, CH3, क्या ले लेता हूँ, CH3। ऐसी कैटेगरी में क्या मिल जाएगा कंपाउंड, CH3ONa प्लस CH3X की जगह, और X की जगह क्या ले लेता हूँ, क्लोरीन। तो अब आप देखिए सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के संग फरार, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे थे, NaCl निकल गया और प्लस कंपाउंड क्या बच गया, CH3 जाके यहाँ अटैच हो गया, CH3O CH3। नाम बताइए, डाई मेथिल ईथर। अब यही R की जगह अगर हम लोगों ने क्या ले लिया, C2H5। R की जगह हम लोगों ने C2H5 ले लिया। ऐसी कैटेगरी में जब R की जगह C2H5 ले लेंगे तो C2H5ONa प्लस C2H5Cl। आप बताइए NaCl निकल गया और कंपाउंड हमारे पास क्या बच गया, ये कंपाउंड, ये C2H5 कहाँ जाएगा, इसकी जगह आके अटैच हो जाएगा जो Na गया है, तो C2H5ONa की जगह क्या आ जाएगा, C2H5। इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। आप देख रहे होंगे, अब आप देखिए C2H5 को Na लिया, C2H5Cl लिया, तो Na और Cl आपस में चले गए, फिर C2H5 यहां आ गया, C2H5O C2H5, ये बन गया डाई एथिल ईथर। तो आपने खुद देख लिया, ईथर के बारे में देखा, ईथर कैसे बनाते हैं, विलियमसन सिंथेसिस मेथड था। आर और Na सोडियम एल्कोक्साइड लिया, एल्किल हैलाइड लिया, इससे क्या बन गया, NaX, क्योंकि NaX के साथ चला गया और फिर ये R इसकी जगह आके रिप्लेस हो गया, आर ओ आर कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट क्या था, R की जगह CH3, X की जगह Cl लिया, तो CH3ONa प्लस CH3Cl, आपको पता NaCl निकल गया और ये CH3 यहाँ पे जाके अटैच हो गया और कंपाउंड बना गया CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड आपने R की जगह C2H5 ले लिया, C2H5ONa प्लस C2H5Cl, NaCl निकल गए, C2H5 वहां चला गया, बन गया कंपाउंड C2H5O C2H5, दिस इज कॉल्ड डाई एथिल ईथर। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, विलियमसन संश्लेषण मेथड यानी विलियमसन सिंथेसिस मेथड। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मेथड को सीखते हैं कि ईथर अब कैसे बनाया जाए। अब देखिए नेक्स्ट मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एल्किल हैलाइड का सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड, एल्किल हैलाइड का सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन, यानी एल्किल हैलाइड किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड,
एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया आरएक्स, सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया Ag2O। इसकी रिएक्शन आपको करानी है। अब आपको पता है कि एल्किल हैलाइड तो है हमारे पास, लेकिन ईथर में हमको एक आर से काम नहीं चलेगा, हमको दो आर चाहिए। कितने आर चाहिए? दो आर। ऐसी कैटेगरी में हमें क्या करना होगा, दो आर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अब इसको हम लोग क्या कर दे, टू से मल्टीप्लाई। तो यार देखिए कैसे करके लिख रहे हैं, आर एक्स आर एक्स, और ये जो लिखा है ये क्या मतलब हुआ, ऐसे लिखा हुआ है एजी एजी। अब आपको पता है ये किसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और जो आगे लिखा होता है वो आगे रहेगा, एक्स पीछे तो पीछे लगेगा। इस कैटेगरी में देखिए क्या निकल गया, एजी एक्स, एजी आगे था एक्स पीछे लिखा जाएगा एजी एक्स। यहां भी क्या मिल गया, एजी एक्स, तो टू एजी एक्स प्लस। अब क्या बच गया, अब देखिए ये वाला हिस्सा अगर आप देख रहे होंगे, ये आर का जो एक बॉन्ड खाली दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड इसके साथ कनेक्ट हो गया। ऐसी कैटेगरी में आर ओ बीच में हो गया, आर आ गया, ये देखिए ईथर बन के तैयार हो गया। ये है एल्किल हैलाइड के रिएक्शन। Ag2O से जब आपने कराया तो आपने कहा ओ एजी दो लोग जुड़े, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, दो एजी ऐसे हो गए, आर एक्स दो चाहिए क्योंकि ईथर में दो आर है। हमारे पास आर एक था तो मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, आर एक्स लिख दिया, एजी एक्स निकल गए। अब आपको पता आर ओ आर, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इससे, तो ओ बीच में हो गया और दोनों तरफ ऐसे हाथ कनेक्ट हो गए, जैसे हमारी बॉडी में बीच में हमारा शरीर है उससे एक दायां हाथ एक बायां हाथ ऐसे अटैच हो गए और ये बन गया आर ओ आर, रामा ओ रामा, दैट इज ईथर। अब आपको पता चल गया आर की जगह आप अगर सी एस थ्री ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर करके देख लिया जाए, अगर आर की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं सी एस थ्री और एक्स की जगह क्या ले लेते हैं क्लोरीन, तो आपको पता है ऐसे कैटेगरी में हमको क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एल, अब दो ले रहा है और प्लस ए जी टू ओ। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है ओ ए जी ए जी, और ये कंपाउंड ब्रेक करिए तो क्या बन गया सी एस थ्री सी एल सी एस थ्री सी एल। ऐसी कैटेगरी में एक ए जी सी एल निकल गया, एक ए जी सी एल और निकल गया, तो कितने ए जी सी एल निकल गए, टू ए जी सी एल प्लस। अब देखिए अब ये ओ बचा है, ये सी एस थ्री इस ओ से कनेक्ट, ये सी एस थ्री इस ओ से कनेक्ट, तो कंपाउंड बन गया सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। आपको पता है दिस इज कॉल्ड डाइमेथिल ईथर। ऐसा ही कंपाउंड आप आर की जगह क्या रख के कर सकते हो, आपको मैं बात करूं तो एच डब्ल्यू के तौर पे आर की जगह आप सी टू एच फाइव और एक्स की जगह सी एल लिख के कर लोगे, तो कंपाउंड जो ऑप्टेन होगा वो होगा सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया, करना कुछ नहीं है, आप बस आर की जगह सी टू एच फाइव ले लीजिएगा, बनेगा टू ए जी सी एल और प्लस सी टू एच फाइव फिर ओ सी टू एच फाइव, ऐसे डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अगली रिएक्शन की बात करें, अगली रिएक्शन जो हम लोग जाएंगे हीटिंग ऑफ एल्कोहल, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं हीटिंग ऑफ एल्कोहल की बात करें, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, यानी एल्कोहल को गर्म कर देना है। अगर अब एल्कोहल को गर्म करना है, हीटिंग ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ एच, ठीक, आर ओ एच एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को हम लोग गर्म कर दे ऐसी कैटेगरी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं, एल टू ओ थ्री का, एल टू ओ थ्री की प्रेजेंस में इसे हीट देंगे हम लोग, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है जब कोई चीज गर्म किया जाता है तो धुआं और पानी निकलता है, धुआं का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी का मतलब क्या हो गया H2O। आपको पता है हमको क्या कंपाउंड बनाना है, ईथर, ईथर में कितने आर चाहिए, दो आर। अब हमारे पास एल्कोहल में कितना आर दिख रहा है, एक आर, ऐसी कैटेगरी में हमको एल्कोहल बढ़ाना पड़ेगा, तो हम दो एल्कोहल ले लें, कितने एल्कोहल दो। इसको सही से देख लिया जाए तो ये क्या लिखा है आर ओ एच, फिर क्या लिखा आर ओ एच। अब आप देखिए आपको पता है जब कोई चीज गर्म किया जाता है तो धुआं और पानी निकलता है, आपको पता है यहां से धुआं नहीं निकल सकता लेकिन पानी जरूर निकलेगा, तो पानी में क्या हो गया H2O,
अब ये देखिए कंपाउंड क्या बन रहा है, H2O निकल गया, क्लियर निकल गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया, अब क्या बचा है ROR, ये देखिए आपका ईथर बन के तैयार हो गया, दिस इज कॉल्ड ईथर। रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, रिएक्शन सबसे आसान होता है, बट आपको थोड़े कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो आपको पता है, तो देखिए ऐसे रिएक्शन इजीली हो जाएगा। अब आप R की जगह क्या रख लीजिए, अगर R की जगह क्या रखते हैं CH3, तो अब देखिए क्या बन रहा है कंपाउंड CH3OH, दिस इज कॉल्ड मेथिल एल्कोहल। इसके दो कंपाउंड ले लीजिए, इसको क्या करिए Al2O3 और 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिए, ऐसे कैटेगरी में आप इसको सही से कर दीजिए, तो CH3OH CH3OH। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है वाटर, पानी निकल गया H2O, अब कंपाउंड क्या बन रहा है CH3OCH3। तो ऐसी कैटेगरी में आपने देखा लैब मेथड में बहुत इजीली बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, ईथर का लैब मेथड यानी कि ईथर का प्रयोगशाला विधि क्या होती है, एथिल एल्कोहल ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, उसको 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए। एथिल एल्कोहल से आप देख रहे हैं जब इसको आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो H2O निकल जाएगा, यहाँ से HSO4 जाके कनेक्ट हो गया C2H5HSO4, C2H5HSO4 फिर से ले लीजिए, फिर से एथिल एल्कोहल मिला दीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है, H इसका इसके साथ कनेक्ट हो रहा है और ये फिर से बन गया H2SO4 और ये कंपाउंड बन गया C2H5O C2H5, यानी डाई एथिल ईथर। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि ईथर कैसे बनाते हैं और लैब मेथड भी कैसे हो गया। अब बात कर ले फिजिकल प्रॉपर्टी की, और इसका नाम डाई एथिल ईथर है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है कि ईथर विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक द्रव है, इट हैव स्पेसिफिक स्मेल ऑर्गेनिक लिक्विड। दूसरा पॉइंट है ये जल में अविलय होता है, इट इज नॉन सॉल्युबल इन वाटर और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, एंड इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ये कार्बनिक विलायकों में क्या होता है विलय होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये प्रबल निश्चेतक है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रांगली क्या है इससे बेहोशी होती है, यानी कि ये निश्चेतक का काम करता है, नहीं बेहोशी का काम करता है। नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में और फिर यूजेस और फिर ईथर चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश्ड। आइए केमिकल प्रॉपर्टी में, सब जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपने सुना, पहला प्रॉपर्टी क्या थी ईथर की, फिजिकल प्रॉपर्टी ये थी ईथर की कि सबसे पहला पॉइंट है ये विशिष्ट गंध वाला है, कार्बनिक द्रव है, इट इज ऑर्गेनिक लिक्विड, हैव ए स्पेसिफिक स्मेल। दूसरा ये जल में अविलय है, इट इज नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कार्बनिक विलायकों में विलय है, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखा ये प्रबल निश्चेतक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी में जो कंपाउंड हमने बनाया हुआ है उसका अलग अलग कंपाउंड के साथ बिहेवियर चेक करेंगे, कैसा कैसा बिहेवियर इसका होता है। सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो दो फॉर्म में लेते हैं, एक कोल्ड HI और एक हॉट। तो कोल्ड HI में देखते हैं क्या होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने मान लीजिए ईथर बनाया C2H5O C2H5, इसकी रिएक्शन HI से कराने जा रहे हैं, यानी HI कोल्ड कैसा होगा, कोल्ड वाला है, ये कोल्ड है यानी कि ठंडा है हाइड्रोजन आयोडाइड। ऐसी कैटेगरी में देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसी कैटेगरी में देखिए जब ये ठंडा है तो ऐसी कैटेगरी में क्या बनता है ये देखिए, HI अलग कर दीजिए, एक कंपाउंड जो बनने जा रहा है आपको पता है जैसे कि C2H5OH, एक कॉम्बिनेशन ये निकाल दीजिए तो ये देखिए क्या बन गया C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। अब ध्यान रखिएगा पेपर में एक बार नेमिंग रिएक्शन आती है, एक रिएक्शन ऐसे आती है हाउ विल यू ऑब्टेन एल्कोहल फ्रॉम ईथर, कि एल्कोहल ईथर से कैसे बनाओगे। तो आपको याद रखना होगा कि आप अगर क्या करते हो डाई एथिल ईथर ले लो, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराओ लेकिन कोल्ड हो। तो ऐसी कैटेगरी में ये देखिए C2H5OH ले लीजिए, एथिल एल्कोहल बन गया। ईथर से एल्कोहल कैसे बनाएंगे या ईथर से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया लिखिए, ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछता है। केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा नहीं होती है, या तो वो क्या करेगा रिएक्शन ही ज्यादातर रहता है, या न्यूमेरिकल हो गया या फिर लैब मेथड, यही सब चीजें, थ्योरी बहुत कम रहेगी। तो अब ये नहीं कि इसे मार पूरा लिख के चले आए आधा पेज का, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन होता है, एक नंबर कन्फर्म हो जाता है।
अब आपके पास क्या बच गया है, तो ये बच गया है जिसको बोलते हैं C2H5I, इसका मतलब एथिल आयोडाइड कंपाउंड, समझ में आ गया। तो अब आपने देखा कि क्या बनता है, नेक्स्ट फॉर्म में अगर यही चीज क्या कर दिया जाए, हॉट हो, कैसा हो, हॉट यानी कि गर्म हो HI। अब यही HI क्या है, अगली रिएक्शन है, दूसरी बात करें, ये पहली हो गई कि HI कैसा हो, हॉट। अब आपको पता है कोई चीज गर्म अगर है, तो जब कोई चीज गर्म होती है तो उससे धुआं या पानी निकल सकता है, तो धुआं तभी निकलेगा जब कार्बन अवेलेबल हो, पानी तब निकलेगा जब हाइड्रोजन अवेलेबल हो। चलिए यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है, यहां पे ऐसी कैटेगरी में C2H5O और C2H5 हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा बढ़ा देंगे और ये आखिर कैसा है, हॉट। तो बताइए कितने हाइड्रोजन आयोडाइड है हमारे पास, दो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ऐसी कैटेगरी में देखिए क्या बन रहा है, तो आपको पता है जब कोई चीज गर्म होता है तो धुआं और पानी निकालने चांसेस करता है, ऐसी कैटेगरी में बताइए क्या निकल रहा है, धुआं तो नहीं निकलेगा लेकिन पानी जरूर निकल रहा है। ये देखिए वाटर निकल गया कि नहीं निकल गया, अब बताइए जब पानी निकल गया तो कंपाउंड क्या बच गया, C2H5I और C2H5I, एक C2H5I ये है, एक C2H5I ये है, तो क्या कंपाउंड बन गया, 2C2H5I, यानी कि एथिल आयोडाइड कितने बन गए, दो। तो आपके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर अगर आपको ईथर से एथिल अल्कोहल चाहिए तो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराइए लेकिन वो कोल्ड हो, अगर आपको ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करा रहे हैं अगर वो हॉट है तो क्या देगा, वाटर और प्लस एथिल आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं ईथर की, तो आपने ईथर के बारे में जो हम लोगों ने देखा अभी क्या था, HI के साथ था, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन था, एक हॉट दूसरा कोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चल के बोलते हैं एसिटल क्लोराइड, किसकी तरफ चलते हैं, एसिटल क्लोराइड की तरफ। अब आप ले लीजिए C2H5O C2H5, इसका मतलब डाई एथिल ईथर है, एसिटल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3COCl, क्या कंपाउंड ले लिया, CH3COCl। अब इसका रिएक्शन कराना है हमें, तो अब ऐसे कंपाउंड में देखिए तो हम लोग के पास क्या बन जा रहा है, ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड तो हमारे पास एक ये बन जा रहा है, ये ले लिया, ये देखिए क्या बन गया, C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड बन गया, और प्लस दूसरा कंपाउंड क्या बन गया, ये देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बन गया C2H5 या CH3CO और एक O और आ गया और C2H5 यानी एथिल एसीटेट, क्या बन गया, एथिल एसीटेट, ठीक, यानी कि एसिडिक करेक्टर बन गया। तो अब आपको पता चल गया, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ईथर से एसिड कैसे बनाओगे, तो एथिल एसीटेट ऐसे बनेगा ईथर से, क्योंकि आपको एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या करा देनी होगी, करा देनी होगी। तो अब आपके बात समझ में आ गया, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, ताप का प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट, फिर से ईथर ले लीजिए, C2 नेक्स्ट रिएक्शन है हीट इफेक्ट यानी ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ऐसी कैटेगरी में हीटिंग इफेक्ट देखते हैं क्या हो रहा है, C2H5O C2H5 इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गर्म करने जा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में, Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म। ऐसी कैटेगरी में जब गर्म करेंगे तो आपको पता है क्या बनने वाला है कंपाउंड, इसको देखते हैं। तो भैया जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो धुआं और पानी निकलता है, तो पानी की व्यवस्था देखिए कराते हैं यहां से, तो ऐसी कैटेगरी में C2H4 अगर कर दें और यहाँ HO ऐसे C2H4 और H, ये देखिए अगर आप देख रहे हो तो पानी की व्यवस्था हो गई यहाँ पर, ऐसे कैटेगरी में ये H, ये देखिए H2O कितने बन रहे हैं, हाइड्रोजन दो और एक ऑक्सीजन, पानी निकल गया H2O बन गया और प्लस C2H4 C2H4, अब क्या ये बन गया आपका, अगर देख रहे हो तो ये क्या है, C2H4 C2H4 एक गैस है ना, एथिलीन गैस है, कौन सी गैस है, एथिलीन, तो क्या C2H4 बन गया, 2C2H4, गैस क्या नाम है, एथिलीन, ठीक। तो ये कौन सी गैस बन गई, एथिलीन। तो आपने क्या देखा कि अगर ईथर को 300 डिग्री सेल्सियस पर Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं तो वाटर निकल गया और दो गैस बनकर तैयार होगी जिसका नाम एथिलीन गैस है।
तो कल के पेपर में अगर एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि ईथर से एथिलीन गैस कैसे बनाओगे, तो ये रिएक्शन आप उसे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आता है ईथर का यूजेस के बारे में, यूजेस के बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो पहला पॉइंट आता है एल्कोहल एस्टर व एथिलीन बनाने में, यानी ईथर से हम एल्कोहल भी बनाते हैं, एस्टर भी बनाते हैं और एथिलीन भी बनाते हैं। देखिए एथिलीन बन के तैयार है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आता है ये कार्बनिक विलायक के रूप में, इसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड नेक्स्ट फॉर्म में आता है निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोशी के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में, ठीक है, कार्बनिक विलायकों के रूप में, उसके बाद एल्कोहल एस्टर व एथिलीन बनाने में। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।